आज हम बात करेंगे कि IVF क्या है और ये किन किन लोगों को रिक्वायर्ड होता है। IVF एक प्रोसेस है जिसमें एक अंडा और स्पर्म को मिलाया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। अब ये किन किन कपल में रिक्वायर्ड होता है, किसी महिला के अंडे अच्छे नहीं बनते, ओवुलेशन नहीं होता उनमें, इनको एंडोमेट्रियोसिस है उनमें, ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं उनमें, या फिर कोई कारण ही नहीं है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी उसमें। अब किसी हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, काउंट अच्छा नहीं है, उनमें IVF की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये है क्या, कैसे शुरुआत होती है, कपल आता है, उस सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे महिला आती है, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और फिर उनका एक IVF प्रोटोकॉल प्लान होता है। हर कपल का एक पर्सनलाइज तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है उस हिसाब से IVF प्लान करते हैं। इसमें पेशेंट को डे टू ऑफ पीरियड से इंजेक्शन लगने शुरू होते हैं और ये इंजेक्शन कितने लगने हैं ये डिसाइड होते हैं पेशेंट के AMH क्या है, उसकी एज क्या है, उसका BMI क्या है, उस हिसाब से नंबर ऑफ इंजेक्शंस, किस टाइप के इंजेक्शंस, क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस उसके डिसाइड होते हैं। उसके बाद करीब 10 से 12 इंजेक्शन लगते हैं और अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर होता है। जब फॉलिकल के साइज 18-19 mm पहुंच जाता है तो उनको ट्रिगर दिया जाता है और 36 आवर्स मतलब कि 35th आवर में अंडर एनेस्थीजिया उनका फॉलिकुलर फ्लूइड बिना कोई चीरा लगे निकाला जाता है। फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजी लैब में दे दिया जाता है जिसमें से एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग निकालते हैं और स्पर्म से मिलाते हैं। दो तरीक़ों से स्पर्म से मिलाते हैं, एक स्पर्म वॉश कर लेते हैं और एक एक एग को पेट्री डिश में डालते हैं और 50,000 से 1,00,000 स्पर्म एक एक एग में डाल देते हैं। जो स्पर्म मोस्ट कॉम्पिटेंट होता है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है और बाकी स्पर्म नेचुरली ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरा ICSI मेथड होता है जिसमें कि एक एक एग में एक एक स्पर्म मिलाया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। एग पिकअप के बाद फिर जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो एंडोमेट्रियम बनाई जाती है, लाइनिंग बनाई जाती है। Day 3 एम्ब्रियोस या Day 5 एम्ब्रियोस, हर सेंटर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से वो एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। करीब 1 से 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब कोई जो लोकल वहीं उसी शहर में रहने वाले पेशेंट हैं वो डेली आके इंजेक्शन लगवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के लिए आ सकते हैं, लेकिन जो बाहर से पेशेंट आते हैं वो पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले उस सेंटर के आसपास रहते हैं और फिर अपना इलाज कराते हैं।